जब रोजाना 1.5 लाख लोग रामलला के मंदिर में दर्शन करने आएंगे, तो ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक बिड़ला धर्मशाला के सामने श्री रामलला का ये भव्य मंदिर जो है, उसका काम तेजी से चल रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये दो गेटवे जो हैं वो मंदिर परिसर के गेट पे बनाए गए हैं। ये दो गेटवे पूरी तरीके से, जो अभी हम लगातार बता रहे हैं, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो 1000 साल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा। और वही जो गेटवे 1 और गेटवे 2, इनका नाम दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी उद्घाटन करेंगे। ये वो परिसर है जहाँ पे 1000 साल तक आम लोग जो हैं वो यहीं से दर्शन करने जाएंगे, यानी इसी सड़क से दर्शन करने जाएंगे। आप गेटवे 1 और गेटवे 2 आपको दिखाया, उसके बाद जैसे ही आप आगे आएंगे, आपको सबसे पहले ये जो तमाम आप बूथ देख रहे हैं, ये अभी अस्थाई बनाए गए हैं। इसके ठीक पीछे बड़े बड़े पैनल्स रखे गए हैं और वो सेंटर्स बनाए जाएंगे। दो सेंटर बनाए जाएंगे, TFC और PFC। TFC मतलब ट्रस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, और PFC यानी पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर। दो सेंटर बनाए जाएंगे, अभी ये टेम्परेरी बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए, आरती पास काउंटर, डोनेशन काउंटर, होम्योपैथिक उपचार केंद्र, यानी मेडिकल सुविधाओं का अभी भी ध्यान रखा जा रहा है। फिर उसके बाद आप सबसे पहले इस काउंटर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे ये हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। टेम्पल विजिटिंग टाइम, चूँकि अभी रामलला जहाँ विराजमान है ये उसका टाइम है, हो सकता है इसमें कोई बदलाव भी आए। 7 बजे से 11:30 बजे और 2 बजे से 7 बजे तक का समय है। और जो आरती होती है वो VIP के लिए, उसकी भी अलग से व्यवस्था है। यहाँ से आप आरती का पास काउंटर ले सकते हैं। निःशुल्क व्हील चेयर की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। और उसके बाद आप लगातार यहाँ से चलते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये फ्री लॉकर सर्विस है। यहाँ पर भी आप अपना जो सामान है वो जमा कर सकते हैं, साथ ही साथ 1.5 किलोमीटर जो आगे है वहाँ पर भी आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। अब आपको आगे वो तस्वीर दिखाएंगे कि 1.5 किलोमीटर चलकर जब लोग बैगेज काउंटर तक पहुँचेंगे, तो उसकी जो दूरी है या उसके बीच में कौन सी खास चीज़ें हैं जो रामलला के मंदिर को भव्य और दिव्य बना रही है। दर्शन करने के लिए एडवांस में और फिर बाद में वापस आएंगे। बहुत खुशी हुई हमको, बहुत खुशी हुई है, राम जन्मभूमि बन गया। मोदी जी की भी जय हो, मोदी जी की जय हो। हम जयपुर से आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत खुशी हुई सबको। एक भजन गा दीजिए ना राम जी का। राम आएंगे तो अंगे ना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे दो झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो भोजन कराएंगी, राम आएंगे तो भोजन कराऊंगी, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, जय श्री राम।